आज हम छाछ का इस्तेमाल करके ढोकला रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है और उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ढोकला बैटर बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप सूजी। ये सूजी जो है वो भुनी हुई नहीं है, जो हम मार्केट से लेके आते हैं वही मैं यूज़ कर रही हूँ। उसी कटोरी से 1 कप बेसन डालेंगे। अब हम एक सिंपल सा छाछ बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप दही। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और धनिया और जीरा पाउडर। एक टीस्पून डाला है मैंने, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से घोट लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और छाछ बनाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें ये छाछ मिक्स करेंगे और एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे। ये छाछ अगर बच भी जाए ना तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। आप और थोड़ा सा काला नमक या फिर काली मिर्च डाल के ना आप इस छाछ को यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी छाछ के बोल में और ये ऐसे मिक्स करके इसमें मैं डाल दूंगी। बैटर को गाढ़ा ही रखना है, ठीक है। देखिए अच्छे से बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पतला नहीं करना है, ठीक है। अब इस बैटर को हम ढक के रखेंगे लगभग 6 घंटों के लिए। तो 6 घंटों के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा सा आपको बैटर टेस्ट करके देखना पड़ेगा क्योंकि हमने छाछ में ऑलरेडी नमक डाला था, तो उसके हिसाब से नमक डालेंगे। इसके बाद 3 टेबलस्पून हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि बैटर में मिक्स हो जाने के बाद इसका तीखापन कम हो जाता है। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, इसे भी मिक्स करेंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक फेंटना नहीं है, ठीक है। ढोकला उबालने के लिए मैं यहाँ पर केक टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी डिब्बा या बर्तन ले सकते हैं। तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है। पूरे टिन को मैं ग्रीस कर लूँगी अच्छे से, साइड से भी ग्रीस कर लेंगे। अब इस टिन में ढोकला का बैटर डालेंगे। तो मैंने पहले से ही स्टीमर में पानी उबाल के रख दिया है। इसमें एक छोटा सा स्टैंड रखेंगे और इसमें ये ढोकला बैटर रख देंगे और इसे हम स्टीम करेंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम चेक करते हैं ढोकला बैटर को। एक टूथपिक डाल के हम देखेंगे। ये देखिए पूरी तरह से साफ निकल के आ रही है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ढोकला तैयार है, ठीक है। मैंने गैस को बंद कर दिया था, ओके। तो अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा करके इसके बाद हम इसे कट कर देंगे। तो ढोकला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। मैंने कड़ी पत्ता डाल के एक तड़का तैयार कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ये स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर डालेंगे धनिया बारीक चॉप किया हुआ और फ्रेश कसा हुआ नारियल भी डालेंगे। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है नारियल से। अब हम इसे कट करेंगे। तो ये रहा छाछ वाला ढोकला, एकदम बढ़िया। कमेंट, लाइक, शेयर और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।